एक ये क्वेश्चन रह गया था पिछले वक्फे पे जाने जाते हुए कि अगर शौहर बाहर है और उसने किसी उसने बीवी को किसी काम से मना किया या उसके काम नापसंद है, अब बीवी उसकी गैर मौजूदगी में वो नापसंदीदा काम कर सकती है कि नहीं, जबकि वो जायज़ है, काम जायज़ है फिर नफसी। देखिए मसला ये है कि जो शरीयत ने बीवी को नापसंदीदा काम जो शौहर के नापसंद वाले हैं उन्हें इख्तियार करना इसलिए मना रखा है कि अगर शौहर देखेगा या उसको इत्तला मिलेगी तो उसकी दिल आजारी होगी और ये मुनासिब नहीं है कि बीवी अपने कौल फेल से अपने शौहर का दिल दुखाए। इसी तरह शौहर के लिए मुनासिब नहीं है कि अपनी बीवी का दिल दुखाए, तो लेकिन बहरहाल शौहर को चूंकि हक थोड़ा ज्यादा रखा गया है इसलिए बीवी को ज्यादा ख्याल करना चाहिए। अब अगर वो फिर नफसी काम जायज है और शौहर यहाँ पर मौजूद भी नहीं है तो उस पर बस वो गौर कर ले कि अगर मैं काम करूंगी किसी तरह शौहर को इत्तला मिल सकती है कि नहीं, अगर इसका इम्कान है। जैसे खवातीन ही खवातीन की बहुत बड़ी दुश्मन होती हैं, अगर खानदान में किसी को पता है कि इसके शोहर को काम ना पसंद है तो फिर वो फौरन चुगलियां कर देती है, तुम्हारी बीवी ऐसा कर रही थी हालांकि तुम मना करके गए थे। और ज्यादातर ये वारदात करते हैं करीबी लोग, बहनें होती हैं या मतलब फुपियां हैं, खालाएं, इस तरह के करीबी लोग होते हैं जो वो शिकायत कर देते हैं और फिर ये ना गैर मुनासिब नतीजा निकल सकता है, तो उसमें तो एहतियात करें। और अगर ऐसा नहीं है, किसी का कोई देख नहीं रहा, घर में जैसे तन्हा है औरत और वो है शोहर का नापसंदीदा काम और फिर नफसी शरीयत उसको मना भी नहीं कर रही, तो फिर करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि अब ना शोहर को इत्तला मिल रही है ना शोहर देख रहा है, तो फिर उस जायज काम को करने में कोई हर्ज नहीं है। एक ये क्वेश्चन इन्होंने की कि ये ले लेते हैं, इन्होंने कारोबार के बारे में कहा कि इन्होंने दोस्त के साथ इन्वेस्टमेंट की थी। अब देखें इन्वेस्टमेंट का जो मसला है ये आप हमें पूरी तफसील से जब भेजेंगे फिर मैं इसका आपको जवाब दे सकूंगा कि क्या ये शिरकत थी या मुदारबत थी, क्योंकि अगर शिरकत हो यानी दोनों तरफ से माल हो तो इसमें नुकसान तो आप अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकते, वो शरीयत की तरफ से मुकर्रर होता है कि जिसका जितना परसेंट माल मिला होता है, उसने माल एसिड मिलाया होता है, उतना ही नुकसान वो बर्दाश्त करेगा। मसलन अगर आपने 25% मिलाया, उसने 75%, 25 लाख आपके हैं और 75 लाख उसके हैं, जब नुकसान होगा तो वो 75% बर्दाश्त करेगा और 25% आप बर्दाश्त करेंगे। लेकिन शिरकत में नफे की कोई मकदार शरीयत में मुकर्रर नहीं की है, वो बाहम रजामंदी से कर सकते हैं, लिहाजा 50-50 कर सकते हैं, 25-75 जैसे आप करना चाहें। और एक होता है मुदारबत के, पैसा मसलन आपका है और काम वो कर रहा हो, इसको मुदारबत कहते हैं। इसमें नफे का तो यही उसूल है कि दोनों बहम तय करेंगे, लेकिन जब यानी मर्जी से तय करेंगे, लेकिन जब नुकसान होता है तो याद रखें इसमें नुकसान सिर्फ माल वाले का होता है जिसको रब्बुल माल कहते हैं, और काम करने वाला जिसको मुदारिब कहा जाता है वो उस नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते कि उसने काम बिल्कुल उसूल के मुताबिक किया हो, शरई उसूल और तुजार की जो आदात व अतवार और रस्म रवाज है उनके मुताबिक कोई ज्यादती नहीं की, वो कमी कोताही नहीं की, तो फिर वो बड़ी जिम्मा है नुकसान इसका कहलाएगा। अब यह हमें पता नहीं कि आपने किस तरह क्या कंडीशंस तय की थी। अभी जो आप सूरत हाल बता रहे हैं वो सूरत हाल मुझे सही नहीं लग रही है कि ये आप एसिड भी देते चले जाएंगे और प्रॉफिट भी देते चले जाएंगे, ये गलत तरीकाकार है। बहरहाल हमने बारहा ये गुजारिश की है कि जब भी आप कोई माली मामला करने लगे, खास तौर पर माली मामला, इसमें किसी न किसी शख्स से शरई एडवाइस जरूर ले लीजिए, यानी जो मुफ्तियाने किराम होते हैं, वरना आप ये समझेंगे कि मैं हलाल कमा रहा हूं हालांकि आप हराम कमा रहे होंगे, खुद भी मतलब अपने आखिरत को बर्बाद करेंगे, अपने बीवी बच्चों को हराम खिलाएंगे। तो इसलिए आप ईमेल एड्रेस मेरा चलेगा आखिर में, आप मुझे पूरी तफसील मेल कर दें, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी भेजें, तो मैं आपको इंशाल्लाह तफसील से इसका जवाब दे दूंगा।